जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। श्री राधा माधव चिंतन पुस्तक से श्री भाई जी कहते हैं, श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि श्री राधिका जी में अनंत दिव्य गुण हैं, वे भगवत गुणमयी ही हैं, पर उनमें ऐसे 25 प्रधान गुण हैं जिनके कारण भगवान श्री कृष्ण नित्य उनके वश में रहते हैं। वे 25 गुण निम्नलिखित हैं। पहला मधुरिमा, दूसरा नित्य किशोरावस्था, तीसरा नेत्रों की चंचलता, चौथा निर्मल उज्ज्वल हास्य, पांचवा सुंदर सौभाग्य रेखा, छठा माधव मनस उन्मादकारी श्री अंग सौरभ, माधव मनस उन्मादकारी श्री अंग सौरभ, सातवां है संगीत शास्त्र में निपुणता, आठवां है श्रुति मनोज्ञवाणी, नौवां है नर्म पांडित्य यानी परिहास वाक्यों के प्रयोग में निपुणता, दसवां सहज विनयशीलता, ग्यारहवां पूर्ण करुणा, बारहवां विधिक्तता, तेरहवां कर्तव्य कुशलता, चौदहवां लज्जाशीलता, पंद्रहवां सुमर्यादा श्री कृष्ण के प्रति गौरव बुद्धि, सोलहवां परम धैर्य, सत्रहवां आदर्श गंभीरता, अठारहवां लीलामयता, उन्नीसवां परम उत्कर्षमयी महाभावमयता, बीसवां गोकुल की प्रेम पात्री, इक्कीसवां ब्रह्मांडों में उद्दीप्त यश, बाईसवां गुरुजनों के श्रेष्ठ स्नेह की पात्रता, तेईसवां सखियों के प्रति प्रेम परवशता, चौबीसवां श्री कृष्ण प्रिया रमणियों में सर्व प्रधानता, पच्चीसवां प्रियतम श्री कृष्ण को सदा सर्वदा अपने अधीन रखने की मधुर शक्ति, श्री कृष्ण लीला आनंदमयी श्री राधा के असंख्य दिव्य गुण हैं, उनकी गणना तो कोई कर ही नहीं सकता, वे कल्पना में भी नहीं आ सकते। प्रेमाम्भोज मकरंद में आया है कि श्री कृष्ण स्नेही श्रीमती राधा के अंग का सुगंधित उपटन है। इस उपटन को लेकर वे 3 काल स्नान करती हैं। उनके सर्वप्रथम पूर्वान स्नान का जल है कारुण्य अमृत, अर्थात प्रथम कैशोर अवस्था या करुणा विशिष्ट नवयौवन, मध्यान्ह स्नान का जल है तारुण्य अमृत या व्यक्त यौवन, और अपरान स्नान का जल है लावण्यामृत यानी पूर्ण यौवन। कायिक गुणों में जो वयस रूप और लावण्य है वही श्रीमती का त्रिविध स्नान जल है। लज्जा रूपी नील श्याम रेशमी साड़ी उनका अधोवस्त्र है, कृष्ण अनुराग उनका अरुण उपवस्त्र ओढ़नी है, श्री कृष्ण प्रणयमान उनके वक्षस्थल की कंचुकी है, अंग सौंदर्य ही केशर है, अभिरूपता रूपी सखियों का प्रणय चंदन है, माधुर्यमयी स्मित कांति कर्पूर है, केसर चंदन और कर्पूर इन 3 वस्तुओं का श्री राधिका के अंग पर विलेपन हो रहा है, अर्थात सौंदर्य अभिरूपता और माधुर्य से वे नित्य भूषित हैं। श्री कृष्ण का उज्ज्वल रस ही उनके अंगों पर लगी हुई कस्तूरी है, उनका प्रच्छन्न मान और वाम भाव ही मस्तक का जूड़ा है, धीरात्मक गुण ही उनके अंग का रेशमी वस्त्र है, श्री कृष्ण रति ही उनके उज्ज्वल अधरों पर तांबूल का राग है, प्रेम कौटिल्य ही उनके दोनों नेत्रों का जल है, सुदीप्त सात्विक भाव हर्षादि संचारी भाव और 20 प्रकार के किल किंचित भाव श्रीमती के अंग के अन्य अन्य सजावट तथा माला हैं। उनका नित्य सुहाग ही उनके विशाल ललाट का तिलक है, प्रेम वैचित्य ही उनके अंग के रत्न हैं, कृष्ण लीलामयी चित्त वृत्तियाँ ही उनके आसपास की सखियाँ हैं, निज अंग सौरभ ही उनका आलय है, गर्व प्रियंक है,
और श्री कृष्ण नाम गुण यश श्रवण कीर्तन ही उनके कर्ण आभूषण और वाणी का प्रवाह है। श्री राधा रानी तनिक भी व्यवधान के बिना सभी समय श्री कृष्ण की समस्त कामनाएं पूर्ण करती रहती हैं। उनका सच्चिदानंदमय कमनीय कलेवर अनुपम दिव्य गुणों से परिपूर्ण है और वे श्री कृष्ण के विशुद्ध प्रेम रत्नों के अनंत प्रेम रत्नों की अनंत खान हैं। भगवान श्री कृष्ण जैसे एक ही साथ निर्विकार और स्वेच्छा में सर्वव्यापी और मूर्तिमान निरपेक्ष और भक्त पक्षपाती आत्माराम और प्रेमी भक्त प्रेमाकांक्षी आदि परस्पर विरुद्ध धर्म युक्त हैं, उसी प्रकार श्री राधा प्रेमाशेष सीमा समन्वित होकर भी सर्वदा प्रेम वर्धशील अत्यंत महान होकर भी अत्यंत दीन अत्यंत गौरवमयी होकर भी गौरव आचारहीन परम निर्मल होकर भी पुनः पुनः वक्र गति युक्त यों परस्पर विरुद्ध गुण युक्त हैं। भगवान श्री कृष्ण के माधुर्य और श्री राधिका के प्रेम में होड़ लगी हुई है और नित्य निरंतर बढ़ते हुए वे अनंत असीम की ओर जा रहे हैं। आनंद कंद श्री कृष्ण से त्रिभुवन को आनंद प्राप्त होता है, परंतु श्री कृष्ण को आनंदित करती हैं श्री राधा जी। श्री कृष्ण का माधुर्य असमूर्ध्व है और उनका रूप कोटि कोटि कामदेवों के सौंदर्य पर विजय प्राप्त कर चुका है, पर श्री कृष्ण के नेत्र श्री राधा के अप्रतिम रूप सौंदर्य का दर्शन करके ही शीतल होते हैं। श्री कृष्ण की कलित ललित वंशी ध्वनि चतुर्दशा भुवनों को आकर्षित करती है, पर श्री कृष्ण के कान श्री राधा के वाक्य सुधा पान से ही तृप्त होते हैं। श्री कृष्ण के दिव्य अंग गंध से जगत सुगंधित होता है, अर्थात जगत के समस्त मनमोहक सुगंध श्री कृष्ण के अंग गंध से ही सुगंधित हैं, परंतु श्री कृष्ण के प्राण तथा घ्राण नित्य श्री राधा के अंग सुगंध के लोभी बने रहते हैं। साक्षात रस रूप रसराज शिरोमणि श्री कृष्ण के रस से जगत सुरसित है, पर श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के अधर रस के वशीभूत हैं। श्री कृष्ण का स्पर्श कोटि कोटि शशांक सुशीतल है, किंतु श्री कृष्ण के अंग सुशीतलता प्राप्त करते हैं श्री राधा रानी के अंग स्पर्श से। श्री राधिका के प्रति श्री कृष्ण की प्रीति अत्यंत प्रबल होने पर भी श्री कृष्ण के प्रति श्री राधा की उज्ज्वल निर्मल प्रीति कहीं अधिक है। श्रीमती वृषभानु दुलारी के हृदय में आत्मेंद्रिय सुख इच्छा की कल्पना भी नहीं है, तथापि उनके द्वारा उनकी सेवा के द्वारा प्रियतम श्री कृष्ण अपार आनंद प्राप्त कर रहे हैं। इस अनुभूति से वे श्री कृष्ण की अपेक्षा भी अनंत गुण अधिक सुख प्राप्त करती हैं। धन्य हैं वे श्री राधा रानी और उनकी काय व्यूह रूपा त्याग प्रेम की जीती जागती प्रतिमा श्री गोप सुंदरियाँ, और धन्य है वह दिव्य ब्रज जहाँ ऐसी दिव्य लीलाएं होती हैं। इस ब्रज के पवित्र प्रेम परिप्लावित क्षेत्र में श्री राधा माधव का रस विलास एक नित्य प्रवहमान स्तोत्र स्विनी के सदृश है। इस प्रवाह के दो तट हैं मिलन और विरह, अथवा संभोग और विप्रलंब। मिलन तट पर विराजित ब्रज युगलवर संभोग रस का आस्वादन करते हैं और विरह तट पर वे विप्रलंब रस का आस्वादन करते हैं, और विरह तट के रसास्वादन के चार प्रकार हैं: पूर्वराग, मान, प्रेम वैचित्र्य और प्रवास। इसी प्रकार मिलन तट के आस्वादन का वैचित्र भी चार प्रकार का है: संक्षिप्त, संकीर्ण, संपूर्ण और समृद्धिमान। पूर्व राग के विरह के अनंतर होने वाला मिलन संक्षिप्त संभोग है, मान की विरह वेदना के बाद होने वाला संकीर्ण संभोग है, कुछ दूर के प्रवास जनित विप्रलंब के बाद होने वाला संपूर्ण संभोग है, और सुदूर प्रवास जनित विप्रलंब के अनंतर होने वाले मिलन को समृद्धिमान संभोग कह सकते हैं। इन चार प्रकार के संभोग और चार प्रकार के विप्रलंभों में से प्रत्येक आठ प्रकार का होने से
ब्रज में 64 रसों का आस्वादन हुआ करता है। फिर इनके अनेकों अंतर्भेद हो सकते हैं। इनमें से प्रत्येक रस विलास की स्थिति और विस्तृति सर्वतोभाव से निर्भर करती है। विरह मिलन की विरुद्धता पर, इन दोनों की सत्ता पर ही ब्रज के रस प्रवाह की सत्ता है। इसलिए इन दोनों को संभोग और विप्रलंब को विलास अवगाही विरोधिता कहा जाता है। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे। Let's go.